जिले के लखनादौन तहसील के अंतर्गत आने वाले उपनगर धूमा में माता महाकाली के चल समारोह के दौरान हाईटेंशन बिजली के तारों की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। वहीं जानकारी के अनुसार धूमा मुख्यालय में माता महाकाली की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना था, जिसको लेकर जुलूस निकाला जा रहा था और माता महाकाली की प्रतिमा का भ्रमण किया जा रहा था। इसी दौरान रथ हाईटेंशन तारों के संपर्क में आ गया और रथ को ला रहे कुछ युवकों को हाईटेंशन बिजली का करंट लग गया, जिससे वहाँ गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को सिविल अस्पताल लखनादौन लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 5 घायलों का इलाज जारी है। इस घटना के कारण जो खुशी का माहौल था वो गम में बदल गया। अस्पताल परिसर में रोते बिलखते परिवार सदमे में है। आपको बता दें, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद लखनादौन में बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं धूमा महाकाली दशहरा में घटी घटना को लेकर आज बड़ी संख्या में नाराज परिजनों ने थाने का घेराव कर धूमा बंद कराया है। सर, ये धूमा की घटना जो हुई है, ये घटना क्या असर है, उसमें कितने लोग अभी तक खत्म हो चुके हैं, मृत हुए हैं? और जो है लगभग 8 लोगों को करंट लगा था, जिसमें से 5 लोग की अभी हालत थोड़ी ठीक है और 3 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। सर, रेफर भी किए जा रहे थे? हाँ, 2 बच्चे थोड़े से मतलब सावधानी की दृष्टि से उन्हें बर्न यूनिट को रेफर किया जा रहा है, बाकी उनकी हालत अच्छी है।